हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं कांदे की न्यू रेसिपी। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी अलग रेसिपी है और अगर आपको इसका पार्ट वन देखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाके आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे ऑयल। आपको ऑयल को हाई फ्लेम पे गरम होने के लिए रख देना है और इसका हमें क्या फायदा है, ये ऑयल जल्दी से गरम हो जाएगा और फिर हम फटाफट से अपनी चटनी कर सकते हैं। अभी हम डालेंगे कांदा। ये 2-3 ऑनियंस है और इसे मैंने स्मॉल पीसेस में कट किया है। आप देख सकते हैं कितनी स्मॉल है। अगर हम बिग पीसेस में कट करेंगे तो ये ऑनियन है ना, ऐसे मुंह में आके कुछ अलग ही लगे, तीखा तीखा लगेगा। इसलिए फ्रेंड्स, हम इसे एकदम स्मॉल पीसेस में कट करने वाले हैं। अभी इसे थोड़ा सा हिलाएंगे जिससे और जो ऑयल सब उसको ऑनियंस को लगेगा। तो अभी हम इस ऑनियन को गोल्डन होने तक रख रहे हैं। आप भी 2-3 मिनट्स के लिए उसे गोल्डन होने के लिए रख देना। अभी थोड़ा सा हिलाना है, 2-3 मिनट ऐसे हिलाते ही रहना है, बट थोड़े देर के लिए रख भी रहे। अभी जरा स्पीड मीडियम करना, देखो थोड़ा गोल्डन टाइप हो गया है, आप देख सकते हैं। अभी हम इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे, आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं। अभी हम डालेंगे टर्मरिक पाउडर, हम इसे भी 1 चम्मच डाल सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन हम 1 चम्मच डाल रहे हैं और फिर आधा चम्मच भी डाल सकते हैं। अभी हम डाल रहे हैं रेड मसाला, इसे हम घर का मसाला भी बोल सकते हैं, लाल मसाला है वो। ये डालेंगे 1 टीस्पून। अभी हम इसमें डालेंगे गरम मसाला 1 टीस्पून। अभी हम इसे हिलाएंगे। फ्रेंड्स, इसे अच्छे से हिलाना, एक भी जो पीस है ना ऑनियन का वो ऐसे लेफ्ट होना नहीं चाहिए, सारों को ऐसे मिक्स करना अच्छे से। और फ्रेंड्स, पिछले वाली रेसिपी में हमने देखा था, मैंने इस वक्त डाला था उसमें, मीन्स मैंने उस रेसिपी में मैंने गरम मसाला नहीं डाला था, मैंने उसमें पापड़ डाला था। तो वो वाली ऑनियन पापड़ चटनी भी आप प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। तो देखो, अभी मैंने अच्छे से हिला दिया है। अभी हम इसमें डालेंगे ये ग्रीन चिली चटनी। तो ये बनी है मिर्ची, कोथिंबीर एंड खोबरे से, यानी कोकोनट से, चिली, कोकोनट और कोथिंबीर से हमने ये चटनी बनाई है। आपको ये सारे को पता ही होगा, ये हम डोसा और या फिर मेंदू वड़ा के साथ खाते हैं। तो ये हम डालेंगे, तो मैं ये डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच। और फिर हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है और फिर आप 2 मिनट के लिए इसे मिक्स करो। और जब जब आप मिक्स करोगे
2 मिनट जब आप मिक्स करोगे उस टाइम पे ही वो एक थोड़े से ब्राउनिश टाइप हो जाएगी, तो ऐसे आपको उसको होने को रख देना है। मैंने इसे अच्छे से मिक्स किया है, आप देख सकते हैं। और हम इसे सिर्फ कांदे की चटनी नहीं बोल सकते, इसे हम ग्रीन ऑनियन चटनी भी बोल सकते हैं। फ्रेंड्स बहुत डिलीशियस लग रही है, देखो मैंने इसे सर्व भी किया है डिश में, तो ये बहुत डिलीशियस है। आप प्लीज़ इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और फिर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो कमेंट भी ज़रूर करना। ये एक बहुत बढ़िया रेसिपी है, आपको बहुत अच्छे से अच्छी लगेगी। और ये हम रोटी रोटी के साथ भी खा सकते हैं। बाय।